हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है सत्यार्थ और तुम लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे गेमिंग यूट्यूब चैनल इंग्लिश गेमर में। तो भाई यार खुश हो जाओ, एक बार और खुशी मना लो यार, क्योंकि 0.16.0 का जो अपडेट है वो हमें फाइनली मिलने वाला है। और भाई उससे रिलीज डेट, उसमें क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं यार, सुनने के बाद तुम खुश हो जाओगे। तो भाई मैं सारी चीजें बताऊंगा, एकदम ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, तो भाई एकदम यार तुम तैयार हो जाओ। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूँ उसका अपडेट कब आने वाला। तो यहाँ पे जैसे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे वर्जन अपडेट डेट लिखा हुआ है 12/10 में, यानी 10 तारीख को हम लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा। 10 तारीख मतलब हम लोगों का कल ही अपडेट आ जाएगा हम लोगों के पबजी मोबाइल का। तो भाई अब बात कर लेते हैं यार कि भाई कितना बड़ा उसका साइज होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तो गाइस वो होने वाला है अप्रॉक्स 1200 MB से लेकर के यार 1400 MB के बीच का अपडेट होगा। लेकिन अंदर जो तुम होगा भाई, अंदर का रिसोर्स पैक मैप डाउनलोड लेके भाई टोटल लगभग 2.5 GB के आसपास गेम तुम्हारा चला जाएगा। तो भाई पहले ट्राई कर लेना, गेम अपडेट कर लो, फिर उसके बाद अंदर का जितना भी होगा किसी से वाईफाई लेके या फिर कर लेना। और भाई अगर तुम्हारे पास खुद का वाईफाई है तो भाई तुम कर ही सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं जो हम लोगों का अपडेट आने वाला है उसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस आओ चलो देख लेते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने पबजी मोबाइल के बीटा वर्जन में। तो अब मैं लाइन से तुम्हें दिखा देता हूँ आखिर क्या क्या चीजों को चेंज किया गया। तो सबसे पहले यार हम लोगों को जो चेंजेस देखने को मिला है, यहाँ पे देख सकते हो यार FPP स्वैप। तो यार यहाँ पे FPP और TPP को जो स्वैप करने का बटन होता है वो फाइनली आ चुका है। तुम यार FPP TPP अब अलग अलग नहीं होगा, एक ही में तुम चाहे स्विच कर करके खेल सकते हो। तो भाई बहुत ही अच्छी बात हो गई, FPP वालों को FPP का भी मजा मिल जाएगा और TPP वालों को TPP का भी मजा मिल जाएगा। और ज्यादा वर्कलोड या भाई FPP का अलग सर्वर, TPP का अलग सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, इससे उन्हीं का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये हुई है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो टिकट टाइप का, तो यहाँ पे देख सकते हो सीजन 9 में जितने भी इवेंट्स आए थे, कॉस्ट्यूम इवेंट और भी कई सारी चीजें आए थे, वो सारी चीजें हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि क्या कुछ आया था भाई और कितना चीज तुम ऑब्टेन कर पाए हो इस सीजन में से। तो भाई यहाँ पे ये दिखा रहा। और फिर यहाँ पे स्विच करके तुम सीजन 10 में भी देख सकते हो। तो भाई अब सीजन 9-10 से जितना भी रिलेटेड होगा वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से प्रॉपरली मिल जाएंगी। गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन तुम्हें गायब मिलेगा, आर्मरी का जो ऑप्शन था वो फाइनली हो चुका है यहाँ से गायब। तो अब सोचोगे भाई यहाँ से आर्मरी का जो हम लोगों का ऑप्शन था आखिर गया कहाँ। तो भाई सबसे पहले यार तुम चले जाओ अपने इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में जाने के बाद यहाँ पे जाकर देख सकते हो गन्स यहाँ पे दिखा रहा होगा तुम्हें, तो गन्स यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन भाई तुम्हें उसकी प्रॉपर डिटेल चाहिए तो वो कहाँ से तुम्हें मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले तुम वर्कशॉप में चले जाओ, फायर आर्म फिनिश में, सॉरी गाइस यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले यार यहाँ पे देख सकते हो तुम अपने इन्वेंट्री में ही आओ और उसके बाद नीचे देख सकते हो लोड आउट लिखा हुआ है यहाँ पे राइट साइड में, सबसे नीचे लोड आउट एक नाम चीज आ गई है। तो भाई यहाँ पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखोगे लोड आउट में तुम्हें जो भी तुम्हारा लोड आउट होगा वो तुम सेलेक्ट कर सकते हो यहीं से। और यहाँ पे 3-4 तरीके का लोड आउट तुम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यार ये इफेक्टिव होगा ओनली TDM मैचेस में। तो भाई TDM के लिए ये होने वाला है। तो भाई अब यहीं से तुम देख सकते हो यार जो तुमको कौन सी गन अच्छी लगती है, उसका पावर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे मैं स्कारल पे क्लिक किया तो ये एक नया भाई निकल के जो आया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त, मतलब बढ़ता हुआ भी दिख रहा है कि इसका रेंज कितना दूर बढ़ रहा है। और फिर भी और भी कई चीज़ें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब हम मैं ले रहा हूँ फॉरग्रिप ले रहा हूँ, तो फॉरग्रिप से जो होने वाले बेनिफिट होंगे वो मुझे दिखाएगा कि यहाँ से उससे क्या फॉरग्रिप से बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे मैगजीन मैं ले रहा हूँ तो सबसे सिंपल मैं एक्सटेंडेड मैग ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्विक ड्रा ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे एक्सटेंडेड क्विक ड्रा ले रहा हूँ, यहाँ पे सब बेनिफिट दिखा रहा है उसकी स्टेबिलिटी सब गन की इसी तरह से दिखाने वाली है। तो भाई ये अलग सा एनिमेशन जो दिखा रहा है ना भाई अपने आप में काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। हम लोगों का जो नेक्स्ट मेजर अपडेट है भाई वो है हम लोगों के गेम प्ले में। तो भाई गेम प्ले में यहाँ पे 2 नए मोड आ चुके हैं, तो भाई मैं उसे तुम्हें वीडियो में ही दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे ये 2 नए मोडों को भी ऐड किया जा रहा है हम लोगों के TDM में, या फिर जो बोल सकते हो हम लोगों का ईवो ग्राउंड होता है उसमें। एक का नाम है रेज गियर TDM और दूसरे का नाम है रेज गियर पिकअप। तो भाई इन दोनों का रूल्स मैं बता दे रहा हूँ कि जो रेज गियर TDM है उसमें भाई जितने ज़्यादा तुम व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करते हो उतने ज़्यादा तुम्हें पॉइंट्स के बेनिफिट होते हैं। और यार रेज गियर जो पिकअप है उसमें यार तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे, जगह जगह गिरे पड़ेंगे मिलेंगे या ऊपर से पॉइंट गिरते रहते हैं, वहाँ से उसे कलेक्ट कर करके
टोटली यार तुम्हें अपनी गाड़ी को डिस्ट्रॉय किए बिना उन सबों को कलेक्ट करना, जितना ज्यादा तुम कलेक्ट कर सकते हो उतना ज्यादा तुम करो, लेकिन जैसे ही तुम मरोगे, जैसे तुम्हारी गाड़ी ब्लास्ट करेगी, तुम्हारे सारे पॉइंट यार हवा में बिखर जाएंगे। जो लोग बाइक क्लैश सुपर सेल का ये जो स्टार बॉल करके एक गेम आया था जो अभी नया जल्दी रिसेंट में आया वो खेलोगे, उससे तुम कंपेयर कर सकते हो, स्टार ब्रॉल करके जो गेम था उससे तुम कंपेयर कर सकते हो। तो भाई ये दोनों टीडीएम का जो नया मोड आया है भाई काफी ज्यादा मस्त और इंटरटेनिंग होगा, होने वाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ ईवो ग्राउंड में ऐड किया गया है। तो भाई सारा इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है जिनके पास सारा है, तो भाई क्योंकि व्हीकल्स इसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं लेकिन सारा की वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो भाई सारा की वजह से इसमें भाई काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यार यहाँ पे हम लोगों का जो नेक्स्ट अपडेट आया है वो है भाई जो हम लोगों की लॉबी थी फाइनली उसको यार अपडेट कर दिया गया है। जो हम लोगों को यार टीडीएम में एक मैप देखने को मिला था अल्फा टेस्ट करके, भाई उसको कन्वर्ट कर दिया गया, बेसिकली यहाँ पे एक न्यू लॉबी जो आई है उसमें फाइनली इसे कर दिया गया कन्वर्ट। और भाई इसमें कई सारे नए जगह स्पॉट बनाए गए हैं, विंटर वेकेशन स्पॉट बनाए गए हैं और जहाँ पे तुम जाके इंजॉय कर सकते हो यार, वहाँ पे स्की कर सकते हो और भी कई सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, नए नए बहुत सारी चीज़ों को इसमें ले आया गया। तो यार यहाँ पे एक नई ट्रॉली टाइप की ऐड की गई है जिसपे मतलब तुम बैठ के पहाड़ी के ऊपर भी जा सकते हो। और सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस जो किए गए भाई, FPP से TPP को स्विच करने वाला बटन आ चुका है। तो भाई मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका है, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार जो FPP TPP का दोनों मजा ले सकते हो भाई इस कॉम्बो में। तो भाई यहाँ पे सिंपली तुम सबसे ऊपर आ जाओगे, फिर वहां पे एक स्पॉट है भाई जहां पे तुम स्की कर सकते हो आराम से, बस स्की तुम्हारा बर्फ में ही होगा। तो भाई यहां से तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई यही सारे कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये अपने क्लासिक मोड में भी देखने में ही देखने को मिलेगा, में भी नहीं सॉरी गाइस, ये अपने क्लासिक मोड में ही आने वाला है। तो भाई यहां पे बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए जो अपने आप में काफी ज्यादा कमाल के होने वाले। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आएगी। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और गाइस अगर तुम्हें इस नए चेंजेस में नए अपडेट में कुछ भी पसंद आता है या फिर नहीं पसंद आता है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताना भाई, यार तुम लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि भाई ये अपडेट अच्छा होने वाला है कि खराब होने वाला है। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आएगी। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, और जो लोग नए और आज से मेरी ये वाली वीडियो देखने शुरू की हो गाइस चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई इसी तरह से पबजी मोबाइल से रिलेटेड ऑसम कंटेंट लेकर आता रहता है और आप लोगों को बताता रहता है। सो गाइस मिलते फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। We'll be right back.